हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीसीए का फर्स्ट सेमेस्टर का ACO 01 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक 2, जिसका नेम है मार्केटिंग। इसका यूनिट 8 जो है एडवर्टाइजिंग। तो इसके हमने कुछ एडवर्टाइजिंग यूनिट 8 के कुछ टॉपिक्स जो है पिछली वीडियोस में देखे थे, जैसे कि व्हाट इज एडवर्टाइजिंग, व्हाट इज पब्लिसिटी, हाउ डज एडवर्टाइजिंग डिफरेंट फ्रॉम पब्लिसिटी। फिर उसके बाद पढ़ा था ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब हम ये चार टॉपिक जो कवर करेंगे वो है रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन द सोसाइटी, उसके बाद है असेंशियल्स ऑफ एन इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद है फीचर रिलेटिंग टू द मैसेज, और है फीचर्स रिलेटिंग टू द कस्टमर रीच। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला बोलता है कि रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन द सोसाइटी, कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें एडवर्टाइजिंग का क्या रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह के होते हैं, जैसे कि आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। जो एडवर्टाइजमेंट होती है हमारी, उसके अगेंस्ट हम क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स करते हैं वो चीज़ देख रहे हैं। सबसे पहले है एडवर्टाइजिंग लीड्स टू हायर प्राइसेस। देखो, जब हमें एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारे मतलब मान लो जिसने भी हमारे ये एक्टर्स वगैरह जो भी पर्सन अगर एडवर्टाइजमेंट करा रहा है किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो क्या है, उसको एक अच्छा खासा अमाउंट पे कर रहा है, ठीक है। तो जब हमें एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि हमें उस पर्सन को भी देना पड़ेगा जो हमारे लिए एड कर रहा है, ठीक है, और किस मीडिया पे हम दिखाना चाह रहे हैं उसको भी हमें पे करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट का प्राइस है, क्योंकि वो अपनी जेब से तो नहीं भरेगा ना वो सारा पैसा, वो कहाँ से लेगा, हमसे लेगा, ठीक है, जो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा, ठीक है। तो वो पैसा क्या, अब वो क्या होगा, जो गुड्स के ऊपर वो पैसा लग जाएगा, ठीक है, गुड्स के ऊपर वो पैसा लग जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, उसका प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा है कि एडवर्टाइजिंग लीड टू मोनोपोली। अब देखो ये क्या है कि कुछ ऐसे कंपनीज हैं जो पहले से क्या है, अच्छी खासी एस्टेब्लिश है, ठीक है, उनकी एक अच्छी खासी ब्रांड बन गई है, तो वो एडवर्टाइजमेंट बहुत बढ़िया एडवर्टाइजमेंट कर सकती है, ठीक है। तो अब भाई वो कितना बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट कर सकती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, लोग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। और अगर कंपनीज नहीं आती हैं मार्केट में, ठीक है, नई कंपनीज आ रही है, तो भाई उतना अच्छा एडवर्टाइजमेंट वो नहीं कर पाएंगी। तो ऐसा लगता है लोगों को कि मोनोपोली हो जाती है यहाँ पर, जो पहले की कंपनीज है जो काफी जो अच्छा एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा वो उतना अच्छा जीत जाएगा, ठीक है, उसकी सेल्स उतनी होगी। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट रिजल्ट इन इनसफिशियंट रिसोर्स एलोकेशन। देखो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमारी ये लैंड, लेबर और रिसोर्सेज, कैपिटल वगैरह है, तो इनका ना ठीक तरह से यूज नहीं हो रहा। जैसे कि जो हमारी मान लो जिन जैसे कि जो ये हमारे लैंड है, लेबर है, या फिर जो हमारी कैपिटल है, इनका इस्तेमाल ठीक तरह से नहीं हो रहा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की वजह से जो प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है, या हमें उनकी तरफ इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमें ना वो चीज़ खरीदनी चाहिए जो ये दिखा रहे हैं, ठीक है, जो भी जिस चीज़ को ये अच्छा बनाकर दिखा रहे हैं किसी प्रोडक्ट को, तो हमें उसकी तरफ इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमें ये चीज़ खरीदनी चाहिए, ना कि इसकी तरफ कि हमें क्या चाहिए, वो उस चीज़ से हमें रूबरू नहीं कराते हैं, ठीक है, वैसी चीज़ हमें नहीं बेचते हैं, मोस्ट ऑफ कंपनीज यही करते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। उसके बाद में एडवर्टाइजिंग कॉजेज अनडिज़ायरेबल सोशल इफ़ेक्ट, जैसे कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं, ठीक है, जो क्या दिखाती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें बेच रही हैं जो नहीं बेचनी चाहिए, जैसे कि कुछ हॉरर या फिर सेक्सुअल चीज़ें दिखाकर ना लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है उस चीज़ की तरफ कि हाँ हमें ये चीज़ खरीद लेनी चाहिए। जैसे कई बार आपने सेंट का एड देखा होगा, ठीक है, तो उससे भी क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ दिख मतलब उसमें हमें कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस करते हैं ना वो लोग कि हम उस चीज़ की तरफ उसको खरीद ले जाके, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बेकार हैं, लोगों की उनके तरफ कंप्लेन भी आई हुई है, लोगों ने कंप्लेन भी की है, लेकिन फिर भी मतलब वो क्या है, एडवर्टाइजमेंट करना रोक नहीं रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो वो लोग जिन्होंने कंप्लेन की है या फिर ऐसा कुछ है, तो उनको इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होती है और डिसअपॉइंटमेंट होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे एडवर्टाइजमेंट की वजह से कई ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट है, जैसे कि सिगरेट वगैरह आपने देखा होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी इनका एड जो है एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा है और नए नए प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते ही जा रहे हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें कि जैसे, ठीक है, जैसे कि दो रिलीजन है, ठीक है, तो वो रिलीजन अलग अलग हैं, पर उन दोनों को क्या है, कुछ ऐसे एड्स दिखा देंगे जिनकी वजह से उनको बिल्कुल ही अलग अलग कर रहे हैं, या कुछ उनको जिसकी वजह से हमें क्या होगा, उन दोनों में डिफरेंस लगेगा कि हाँ ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, इनकी तरफ ऐसा होता है वैसा होता है, मतलब एक तरह से उन दोनों के बीच में बहुत बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ कर देते हैं उन एड्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्टाइजिंग में
एक्ट अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, प्रेस ये अपनी की जो हमारी मीडियाज वगैरह होते हैं, तो उनकी मतलब वो जो उनकी मोस्टली इनकम होती है वो कहाँ से आती है, एडवर्टाइजमेंट दिखा के, क्योंकि आपने देखा होगा जब टीवी पे ऐड देखते हो, ठीक है, कोई भी अगर मान लो न्यूज चैनल आपने खोल के देखा हुआ है तो नीचे आपको ऐड दिखाई दे रही होगी, चाहे वो न्यूज चल रही है लेकिन फिर भी वहां पर ऐड दिखाई दे रही है, फिर जब वहां पर वैसे ऐड आता है, नॉर्मली ऐड आता है तो वहां पर भी ऐड चल रहा होता है, दो तरह के ऐड चल रहे होते हैं, एक लाइन में नीचे आता रहता है और एक वैसे आता है, ठीक है, तो दो तरह के ऐड आते रहते हैं, या फिर जहां तक की है मोस्टली जहाँ इनकी इनकम होती है वो कहाँ से होती है, एडवर्टीजमेंट से ही होती है। तो अगर मान लो कोई ऐसी बड़ी स्पॉन्सर कंपनी आ जाए जिन्होंने इनको ऐड दे रखा है, ठीक है, अब इन्होंने उनसे पैसे भी ले लिए, अब वो क्या करेंगी, इन लोगों को ना बोलेगी, धमकी देगी कि आपको ना ये ऐड दिखाना है, चाहे वो मतलब क्या है मीडिया उसको नहीं दिखाना चाहती, वो गलत है, तो वो क्या कहेंगे कि नहीं आपको ये चीज दिखाना है क्योंकि हमने आपको इतने पैसे दिए हुए हैं, ये है वो है, ठीक है, क्योंकि हम मतलब वो क्या है बहुत अच्छे स्पॉन्सर है, मान लो कि बहुत बड़ी फर्म है उनकी और बहुत अच्छा खासा उन्होंने इनको पैसा दिया हुआ है, तो ये क्या है मीडिया की फर्म को क्या कर फ्रीडम को क्या करते हैं, खत्म करते हैं, बंद करते हैं, ठीक है। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग इनकरेज अननेसेसरी कंपटीशन, अब कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो शायद अच्छे नहीं हैं, ठीक है, वो खरीदने के लायक भी नहीं है, ठीक है, पर यहाँ पर क्या है एडवर्टाइजमेंट करके एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है, ये है वो है, लेकिन क्या है रियल लाइफ में वो चीज उस हमारे किसी काम की नहीं होती, लेकिन फिर भी एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जा रहा है तो हम उसको लेकर आते हैं, तो जो दिखाया जा रहा है और जो प्रोडक्ट हम लेकर आए हैं उन दोनों को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो हमारी डिजायरेबिलिटी को पूरा नहीं कर रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि हम अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट अगर दूसरे भी दिखाए जा रहे हैं ऐसे, तो यहाँ पर क्या है हम उस चीज को क्या करेंगे एक तरह से कॉम्पिटिशन के तौर पर अगर ले रहे हैं तो वो क्या है मतलब बेकार को कंपटीशन क्रिएट किया जा रहा है, कुछ ऐसी चीजें जो बेचने लायक भी नहीं है लेकिन फिर भी वो बिक रही है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन अ सोसाइटी, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ है आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट के, कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट्स भी हैं जो क्या करते हैं सपोर्ट करती है एडवर्टाइजमेंट को, वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले एडवर्टाइजमिंग लीड्स टू रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ गुड्स, मतलब ये किस तरह से कर रहा है, अभी हमने देखा था कि वो कॉस्ट को बढ़ा देता है, प्राइस को बढ़ा देता है, लेकिन ये कह रहा है कि कम कर देता है, वो कैसे, मान लो कि कोई ऐसा पर्सन है जिसका पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर मान लो कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, ठीक है, जैसे अमेजोन वगैरह कहीं से भी खरीदा है, ठीक है, तो आप सबसे पहले जाकर क्या देखते हो उसका फीडबैक जो रिव्यू में दिखाते हैं, ठीक है, वो देखते हो, फिर आप वहां से जाके क्वेश्चंस पूछते हो क्या ये चीज अच्छी है, ये वैसी है वैसा, सब कुछ देखकर और उसके बाद में क्या करते हो अगर अच्छी लगती है तो आप उसको परचेज कर लेते हो, ठीक है, तो ये भी तो एक एडवर्टीजमेंट ही है, वो भी तो वहां से अपना रिव्यू वगैरह दिखा रहे हैं, ये भी तो एक एडवर्टीजमेंट की तरह ही ट्रीट किया जाता है, ठीक है, तो अगर कंपनी ऐसा ना करे तो उसको क्या है, क्या पता कि उसको इस चीज का एडवर्टीजमेंट करने के लिए और भी ज्यादा पैसा देना पड़े, ठीक है, तो हो इस चीज को बचाने के लिए एडवर्टीजमेंट क्या करता है, ठीक, कई बार क्या करता है कॉस्ट ऑफ गुड्स को कम करता है, एडवर्टीजमेंट नीड नॉट नेसेसरी लीड टू मोनोपोली, कि जरूरी नहीं है कि इसकी वजह से मोनोपोली होती है, क्यों, क्योंकि अगर किसी भी पर्सन को किसी ने एक बार आपसे कोई चीज खरीद ली तो जरूरी नहीं है, अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप जो हो वहां पर रहोगे मार्केट में, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो लोग नेक्स्ट टाइम आपकी चीजों को परचेज नहीं करेंगे, ठीक है, तो अगर कोई नया प्रोडक्ट आता है उसने एडवर्टीजमेंट करी लोगों को अच्छा लगा तो शायद हो सकता है कि लोग उसकी तरफ ज्यादा खिंचे क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो उसके बाद है एडवर्टाइजिंग डायरेक्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स अकॉर्डिंग टू डिमांड, ठीक है, ये क्या है कि जो भी एडवर्टीजमेंट है डायरेक्ट क्या करता है एलोकेट करता है रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू डिमांड, कि आपको काफी सारी चीजें दिखा दी, अब आप उसमें क्या कर सकते हो कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि साबुन है, पर्टिकुलर एक साबुन का ऐड आ गया, ठीक है, मतलब मान लो तीन चार साबुन के ऐड आ गए तो वहां पर क्या है जो साबुन आपको मतलब अच्छा लग रहा है उसकी स्मेल अच्छी लग रही है या कुछ भी, तो आप उनको क्या कर सकते हो कंपेयर कर सकते हो, जो चीज आपको अच्छी लगेगी तो आप उसको यूज कर सकते हो, उस चीज के लिए ऑर्डर कर सकते हो या उसको परचेज करके ला सकते हो। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग इनकरेज ऑटोनोमी ऑफ मास मीडिया, देखो सबसे मेन चीज क्या है कि जो हमारी मास मीडिया है, ठीक है, जो हमारी मीडिया
है, जो भी हमारे मान लो न्यूज़पेपर है या फिर मैगजीन है, रेडियो में एडवर्टीजमेंट आ रही है, टीवी में आ रही है, किसी भी तरह से एडवर्टीजमेंट दिखाई जा रही है, तो ये जो न्यूज़ वगैरह है, ठीक है, तो इसका जो मेन सोर्स है वो क्या है? एडवर्टीजमेंट से ही मिलता है इनको पैसा, तो उसकी वजह से न्यूज़पेपर का रेट भी कम है, क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या होता है कि न्यूज़पेपर मान लो 5 या 10 रुपए के बीच में मिल जाता है आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यूज़पेपर है वो हमें इतने कम प्राइस में मिल रहा है, और बल्कि हमें वो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो क्यों दे रहा है वो हमारे को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन? क्योंकि उसको और भी रिसोर्सेज है, कहीं और से भी उसको पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो मास मीडिया से उनको मतलब एडवर्टीजमेंट की वजह से उनको पैसा मिल रहा है, तो इसकी वजह से वो उसकी जो कॉस्ट है वो कम होती है। उसके बाद है, अगर ऐसे एडवर्टीजमेंट से पैसा नहीं मिलेगा उनको, ठीक है, तो वो सारा पैसा क्या हमसे ही लेंगे, है ना। तो उसके बाद है, एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन। कई एडवर्टाइजमेंट ऐसे भी होते हैं जो हमें उस प्रोडक्ट को यूज करना भी सिखाते हैं, और अगर वो कोई सर्विस दे रहे हैं तो उसके बारे में वो पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप इस चीज पे कॉल करो, इस तरह से ये करो वो करो, उसके बाद में आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाता है, ठीक है, कि ये चीज ऐसे होगी वैसे होगी ये सब कुछ। उसके बाद है, एडवर्टाइजमेंट जनरेट एम्प्लॉयमेंट। अब एडवर्टीजमेंट की वजह से देखो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट मिलते हैं उन लोगों को, जैसे कि एक्टर्स वगैरह हैं, तो वो इससे एडवर्टीजमेंट करके भी पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेकअप करते हैं उन लोगों का, उनको भी पैसा मिल रहा है। कुछ डायरेक्टर हैं, ठीक है, जो सूट करके पैसा कमा रहे हैं, मतलब उस एड को सूट करेंगे ना तभी तो पैसा मिलेगा। तो मतलब काफ़ी सारे लोग हैं जिस को क्या कर रहा है, एडवर्टीजमेंट के वजह से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो ये कुछ थे हमारे रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट इन द सोसाइटी, कुछ उसके अगेंस्ट थे और कुछ उसके सपोर्ट में थे। तो हमने दोनों ही पढ़ लिए, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, असेंशियल ऑफ एन इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट। देखो बहुत ज़रूरी चीज़ें या बहुत ज़रूरी जो टास्क हैं किसी एक इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट के लिए, वो क्या है? सबसे पहले है फीचर रिलेटिंग टू द मैसेज, कि हम मतलब अपने मैसेज से क्या पहुंचाना चाह रहे हैं लोगों को, क्या बताना चाह रहे हैं। तो डिजायरेबिलिटी, मतलब लोगों की इच्छा है कि उन्हें साबुन खरीदना है, लेकिन अगर आप किसी और चीज़ का ऐड दिखा रहे हो या किसी और चीज़ के बारे में बता रहे हो, तो वो जो डिजायरेबिलिटी उनकी इच्छा को पूरा नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर मान लो कि किसी के सर में डैंड्रफ हो रहा है, ठीक है, और आप दिखा रहे हो ऐड में कि आप इसको यूज़ करके, पर्टिकुलर शैम्पू का यूज़ करके आप अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हो, तो ये डैंड्रफ और स्ट्रेटनिंग से कोई कनेक्शन नहीं हुआ ना। तो मतलब कि हमारा जो इच्छा थी डैंड्रफ को हटाना, वो चीज कंप्लीट नहीं हुई, बट हमारे बाल स्ट्रेट हो रहे हैं, तो हमारी डिजायरेबिलिटी मैच नहीं हुई, ठीक है। इसको आप चाहे किसी और एग्जांपल से भी ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारी इच्छा थी वो चीज कंप्लीट नहीं हो रही, तो फिर हम उस चीज की तरफ क्यों ही जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखना है कि हम अपने प्रोडक्ट में क्या चीज़ बेच रहे हैं, तो उसके हिसाब से डिजायरेबिलिटी क्या है लोगों की, वो चीज़ मैसेज में प्रिंट करो। एक्सक्लूसिव क्या है, क्या नया लेकर आए हो? अब शैम्पू तो इतने सारे हैं, अगर कोई नया ब्रांड का शैम्पू लेकर आ रहा है, तो वो अपने बारे में क्या चीज़ डिफरेंट बताना चाहता है कि मैं इस चीज़ से ये भी कर सकता हूँ। पहले किसी शैम्पू से मान लो बाल स्ट्रेट नहीं हो रहे, तो ये अब कुछ नया ब्रांड लेकर आए जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बाल स्ट्रेटनिंग हो रहे हैं, ठीक है, डैंड्रफ भी मिट रहा है उससे, और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर उसके बाद बिलीवेबल, क्यों बिलीव करें हम तुम्हारे ऊपर, क्या नया है तुम्हारे पास में, क्या कंपेरिजन कर सकते हो किसी और प्रोडक्ट से, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो आपने शॉप काफ़ी सारे साबुन का ऐड देखा होगा, तो उसमें क्या है कि दो साबुन को आपस में मतलब विजिबल नहीं दिखाते हैं, बट फिर भी वो कंपेयर करके दिखाते हैं कि जो बाकी साबुन हैं उनको यूज़ करके आप 50% तक सिर्फ जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं उनको मार सकते हो, लेकिन अगर आप इस साबुन का यूज़ करोगे तो आप 99.99% तक बैक्टीरियाज मार सकते हो, ठीक है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उसका बिलीव, ठीक है। उसके बाद है अट्रैक्टिव, क्या चीज़ है जो आपके प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाती है, कि कुछ ऐसी लाइन है, कुछ आप प्रोडक्ट में कुछ ऐसी लाइन यूज़ करो या फिर कुछ ऐसे इमेजेस यूज़ करो जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट है वो अट्रैक्टिव बने एडवर्टीजमेंट के तौर पे, एडवर्टीजमेंट उसके थ्रू करो। उसके बाद है मेमोरेबल एंड ईजी टू रिकॉल, जैसे कि आपने काफ़ी सारे एड में देखा होगा कि उसके अंदर ना कुछ एक लाइन आती है जो हमें बहुत जल्दी याद हो जाती है, क्योंकि हम उस एड को 5-6 बार देखते हैं और हमें वो चीज़ याद हो जाती है और हम उसको याद कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपने घड़ी निर्मा का एड देखा होगा, तो उसमें होता है पहले इस्तेमाल करें एंड फिर विश्वास करें, तो ये चीज़ हमें याद है कि ये घड़ी का ही एड आता है, उसी के नीचे ये लाइन लिखी होती है। तो काफ़ी सारे एड हैं जिनके ऊपर एक मेमोरेबल ऐसा कुछ ना कुछ लिखा होता है कंटेंट जो हमें याद हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम कभी भी मान लो साबुन लेने जाएंगे तो हमारे दिमाग में ये आएगा पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये किसका ऐड था, घड़ी का ऐड था, हाँ हमें ये लेना चाहिए, ठीक है, मतलब समझ गए।
उसके बाद है असेंशियल ऑफ एन इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट, उसके फीचर रिलेटिंग टू कस्टमर रीच, कि कस्टमर तक अब कैसे पहुंचे, आपने सब कुछ बना लिया है, प्रोडक्ट के ऊपर क्या क्या लिखना है, कैसे दूसरों से अलग है, ये सब कुछ हमने देख लिया है। अब हमें बताना पड़ेगा कि सबसे पहले आपकी जो टारगेट कस्टमर हैं, कौन कौन से जो हैं टारगेट कस्टमर है, किनके पास आप इस चीज़ को पहुँचाना चाह रहे हो, उसको आपको देखना पड़ेगा कि वो पर्सन किस तरह की मीडिया का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। जैसे कि मान लो कि अगर आप कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो जिसे न्यूज़पेपर में लोग पढ़ लेते हैं, मोस्टली जो लोग हैं वो न्यूज़पेपर में उस चीज़ को पढ़ लेते हैं, तो आप उसको दिखाने के लिए टीवी का यूज़ क्यों करोगे, है ना? क्योंकि लोग जो है, जो चीज़ हम बताना चाहते हैं वो लोगों ने न्यूज़पेपर के तौर पर देख लिया है पहले से, तो हम अपना एक्स्ट्रा पैसा क्यों वेस्ट करें एडवर्टीजमेंट टीवी पे दिखाने के लिए। तो सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारी टारगेट कस्टमर है वो किस तरह की मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, फिर उस मीडिया पर जाकर हमें अपना एड दिखाना चाहिए, ठीक है? जो ज़्यादा क्या है इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब अगर एडवर्टीजमेंट दिखाया जा रहा है, मान लो कि आप एक टीवी सीरियल देख रहे हो कोई भी, उसके अंदर एक एडवर्टीजमेंट दिखाया जा रहा है, मतलब एडवर्टीजमेंट मतलब 10-12 एडवर्टीजमेंट आते हैं उसके अंदर, तो अगर मान लो एक के बाद एक वही चीज़ रिपीट हो जा रही है, वही ऐड आए जा रहा है, तो आप क्या होगे उसके, उससे फ्रस्ट्रेटेड होगे, हाय यही ऐड दिखाया जा रहा है बार बार, हाय राम ये क्या हो गया, ठीक है? तो वहां पर क्या है, आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, ठीक है, और आप चैनल को चेंज कर दोगे, ठीक है? ऐसा होता है। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, मेंटेन रहे, 2-3-4-5 ऐड के बाद में एक या दो बार दिखा दिया जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर रिपीट हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी लोगों को बहुत ज्यादा। उसके बाद है टाइमिंग। अब देखो कुछ ऐसी टाइमिंग है, जैसे अगर आपको कोई चीज़ बेचनी है जो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल चीज़ें हैं, तो उसका टाइमिंग क्या है, मान लो कि एक टीवी सीरियल है जो 8 बजे आता है और बहुत सारे लोग उसी टीवी सीरियल को देखते हैं, तो क्या है 8 बजे से 9 बजे तक आप अपना पर्टिकुलर टाइम बता लो कि इतने टाइमिंग तक जो हमारा ऐड है वो चलना चाहिए, ठीक है? टाइमिंग भी मैटर करती है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर आप दोपहर में दिखा रहे हो या रात को दिखा रहे हो 1-2 बजे, तो फिर क्या लोग उस एडवर्टीजमेंट को नहीं देखेंगे, तो फिर वो आपकी चीज़ को परचेज ही क्यों करेंगे, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 9 पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सके। थैंक यू।